चलिए सीधे अब आपको विदिशा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। तुम्हारी जय के लिए तो मैं जिंदा हूँ। मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष, अब चाहे तो आराम से बैठ, भाई राकेश यादव जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश टंडन जी, पूर्व राज्य मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता भाई सूर्य प्रकाश मीणा जी, भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई श्याम सुंदर शर्मा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री बहन श्रीमती सुप्रीत कौर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई तोरण सिंह डांगी जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती सुशीला मोहर सिंह डांगी जी, भाई रघुवीर सिंह सूर्यवंशी जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई मनोज कटारे जी, शैलेंद्र भदौरिया जी, संजय रघुवंशी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ और आदरणीय नेता आदरणीय बाबूलाल तामकार जी, मुरली थावरानी जी, आनंद जैन जी, चंदन सिंह यादव जी, हरिबाबू अग्रवाल जी, बहन श्रीमती ज्योति साह जी पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, आदरणीय महेंद्र जैन जी, नथन सिंह राजपूत जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय पदाधिकारीगण, क्योंकि सूची बड़ी है, हमारे पार्षद के उम्मीदवार, सभी बहनों भाइयों और यहां उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। आज विदिशा सभा में कई दिनों बाद आना हुआ है, लेकिन आज मैं बधाई दे रहा हूं। गांव की सरकार विदिशा की जनता ने पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की बना दी है। अभी कई लोग मुझे नीचे मिले, जिला पंचायत में हम जीते, और वैसे ऐसे नहीं, 17,000 वोटों से हमारे सदस्य जीते, जनपद में हम जीते, सरपंचों में पूरे मध्यप्रदेश में 3-4 दिन पहले बुलाए थे, 620 सरपंच निर्विरोध है, सबने कहा मामा हम तो निर्विरोध तो आए लेकिन तुम्हारे ही संग है सबके साथ। यहां पहले चरण में सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी के जीते, पूरे प्रदेश में आशीर्वाद मिल रहा है, और देश के आसार भी और अच्छे नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस भी अजब गजब पार्टी है, कमलनाथ जी को कहा कांग्रेस ने कि जाओ महाराष्ट्र की सरकार बचाओ,